Some kind of sad. ये नानी का पुराना घर है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और आज आप सोच रहे होगे कि मैं इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, और आप नहीं भी सोच रहे हो फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं आज अपने नानी घर जा रही हूँ, क्योंकि आज उनका घर का गृह प्रवेश है और इसीलिए मैं इतना सुबह सुबह रेडी हुई हूँ। और मैं अपना ये मैंने आउटफिट कैरी किया है, और आप व्लॉग में बने रहना और मैं आपको आगे फिर दिखाती हूँ, और आप बहुत मज़ा आएगा मेरे व्लॉग में, और आगे आगे आपको दिखाती हूँ क्या होगा नहीं होगा। अभी तो मेरी मासी आ रही है गाड़ी लेके मेरे को रिसीव करने, तो फिर मैं जाऊँगी, उसके बाद मैं आगे आगे मेरे साथ आप लोग भी देखो हो रहा है, और अपने नानी का घर भी दिखाऊंगी इस व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ। और मैं ये देख लो, मैं रेडी हो रहा है, मेरी मासी कार लेके आ रही है तो मैं जा रही हूँ उसी से, और आज ही जा रही हूँ, आज ही पूजा है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी, फिर क्या मन में आया, फिर सोची नहीं नहीं चलती हूँ, पूजा है तो। गाड़ी में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, और मैं इंजॉय भी कर रही थी रास्ते का, और व्लॉगिंग भी कर रही थी। ये नानी का पुराना घर है। रहते जैसा ना कहते, बुराई बराई के बात कर। ये पुराना वाला घर हुआ इधर, मैं आपको अब नए न्यू वाले घर पे लेके जा रही हूँ। ये रूम सब है, ये रहा पुराना घर, ये कल मोटर, ये क्या कह हमरा, ये रहा पुराना घर नानी का, और ये मासी बर्तन लेके न्यू वाले घर पे जा रही है, और आपको मैं अपना घर के पीछे का बगीचा दिखा रही हूँ। जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ, वहाँ से आने के बाद फ्रेश हो गई, बहुत काफ़ी ज़्यादा थक गई जाम के कारण, और अभी मैं जा रही हूँ नए वाले घर, चलो मेरे साथ। ये नानी का दलान हुआ जो कि अब खंडर बन चुका है, एक ज़माने में हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पे खेलते थे, और ये रहा गांव की खूबसूरती, और ये रहा नया बर्तन, ये देख लो आप लोग, और ये मेरी मासी लेके जा रही है, और ये भैंस है। ये भैंस है, गोबर, ये गोबर रखा हुआ इधर। काफी टाइम के बाद आ रही हूँ मैं गांव में, और ये रहा रोड पे जो घर बन रहा है न्यू वाला, जो बन आज जिसका गिरी प्रवेश है वहां पे हम जा रहे हैं,
वहाँ पे अभी गया है, पूरी ये सब कुछ कुछ बनता है भगवान जी के लिए वही, और मैं आ गई हूँ घर के सामने में। मेरी मामी पूजा कर रही हैं, ये पीपल का पेड़ है, भगवान जी हैं। अरे ये बड़ा सा पेड़, अरे ये मंदिर हुआ यहाँ पे, और वो रहा घर, न्यू वाला घर। ये अरे यहाँ पे सामान कैसा वाला सबसे बड़का, ये देखो ये ऐसा ऊपर में छत है, ये मतलब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो खपरा बोलते हैं ना शायद, उसी का ऊपर में है। और ये रहा, ये आपने देखा होगा गांव के घर में अक्सर है, ये सब होते ही हैं ये। और मैं ये लेने आई हूँ क्योंकि नाए वाले घर पे पंखा कसना है, तो इस वजह से मैं ये लेने आई हूँ। और सारे बच्चे लोग इधर से उधर कर रहे हैं, और अब मैं चलती हूँ, अब इसको न्यू वाले घर का, और वो मिट्टी का चूल्हा। अब मैं अपना चक्कर देवता घर इस वजह से खोल दी। हमारा ईख का पेड़ है जो घर के पीछे लगा हुआ है। मैं ना पुराना वाला घर आपको एक ही व्लॉग में नहीं दिखा सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि दूसरा व्लॉग अलग से बना के पुराना वाला घर दिखाऊँ, मैं कोशिश सिर्फ कर सकती हूँ। ये रहा नया वाला घर, मैं यहाँ पे चप्पल खोलूंगी क्योंकि आज पूजा है। ये गद्दा आया हुआ है, ये हॉल। ये अभी बाथरूम में ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी पूजा नहीं हुई है, और ये पीछे का गेट है, जैसे पीछे पूरा एकदम खुला खुला है पूरा।